हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एमपी करंट अफेयर्स। और पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, देख चुके थे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। अब बात करते हैं उद्योगों के बारे में। तो याद रखिए, इन सभी लेक्चरों की सूची आपको प्लेलिस्ट में एमपी कर मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 के नाम से मिल जाएगी। उसी में सभी लेक्चर पड़े हुए हैं। चलिए उद्योग देखते हैं। वर्ष 2018-19 में देश के सकल मूल्य वर्धन GBA में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 29.73% रहा, जबकि 2017-18 में मध्य प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में इसका योगदान 24.14% है। मध्य प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2016-17 में 24.15%, वर्ष 2017-18 में 24.14% रही। विनिर्माण क्षेत्र में विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2017-18 के अंतर्गत 6.16% की वृद्धि हुई। आगे देखते हैं, राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए निवेश की दृष्टि में मध्य प्रदेश का भारत में 5वां स्थान है तथा औद्योगिक विकास की दृष्टि से देश में 7वें स्थान पर है मध्य प्रदेश। राज्य की कुल आय में उद्योगों से प्राप्त आय का 14% योगदान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2018-19 में प्राथमिक क्षेत्र की 37.17%, द्वितीयक क्षेत्र की 24.04%, तृतीयक क्षेत्र की 38.79%। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जुलाई 2018 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार व्यापार सुगमता में मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है, जबकि आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर है इसमें। ठीक है, 2018-19 में माह है दिसंबर तक 1.80 लाख सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें 13,224 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ। 7.19 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। आगे बात करते हैं, आगे केंद्र सरकार के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को देखते हैं। ये संस्थान है, स्थापना वर्ष है वो स्थान जहाँ बने हुए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये 1942 में स्थापना हुई कटनी में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1969 में इटारसी में। आधुनिक हथियार फैक्ट्री इजराइल के सहयोग से 2017-18 में मालनपुर भिंड में है। वाहन निर्माण कंपनी 1969 में जबलपुर में है। भारत संचार निगम लिमिटेड 1968 में जबलपुर में है। IISCO स्टैंडर्न पाइप एंड फाउंड्री के लिमिटेड, यह 1968-69 में उज्जैन में है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की बात करें तो देवास इलेक्ट्रिकल्स देवास में है। साइकिल उद्योग, ये गुना से संबंधित है। फर्नीचर वर्क्स अमानपुर जबलपुर से संबंधित। पोल्ट्री ग्वालियर। इंजीनियर वर्क्स इंदौर। कृषि उपकरण कारखाने खंडवा। टेम्बर ट्रीटमेंट इंदौर। मेटल वर्क्स विदिशा। कैलेंडरिंग उज्जैन। बुर्स एंड स्पोर्ट्स इंदौर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम लोग। ऑटो टेस्टिंग ट्रैक 29 जनवरी 2018 को भारत सरकार के बेहद उद्योगों एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय द्वारा धार जिले के पीथमपुर में एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव परियोजना नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रारंभ हो गया की गई है। आगे बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न उद्योगों की बात करें तो दियासलाई उद्योग ग्वालियर, धातु मूर्ति होशंगाबाद, जरी कढ़ाई भोपाल, बिस्कुट ग्वालियर, PVC पाइप सतना, तेल शोधन संयंत्र आगा सौद सागर,
घड़ी राज्य का एकमात्र। बैतूल में ट्रांसफार्मर जबलपुर, खाद्य प्रसंस्करण जग्गाखेड़ी मंदसौर, कोका कोला होशंगाबाद वर्ष 2017 में स्थापित हुई। ऑप्टिकल फाइबर ए मंडदीप रायसन में, रेलवे स्लीपर बुधनी श्योपुर में, चमड़े के खिलौने इंदौर में, छाता उद्योग राज्य का एकमात्र महू में, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध चंदेरी और महेश्वर है, मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह पीथमपुर है, जिलेटिन जबलपुर, इंसुलिन देवास, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंदौर, स्टोन पार्क ग्वालियर कटनी, आणविक अनुसंधान केंद्र इंदौर। आगे बात करते हैं, मैदा उत्पादन केंद्र इंदौर भोपाल गंज वासोदा में, चिप एवं पार्टिकल बोर्ड इटारसी में, मध्य प्रदेश के औद्योगिक कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं तो रेडीमेड गारमेंट्स इंदौर, चमड़ा ये देवास में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंदौर, स्पोर्ट्स नागौर सतना, स्टेनलेस स्टील सागर, कृषि छिंदवाड़ा, चमड़ा देवास, ज्वेलरी इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य में एशिया का पहला सीमेंट म्यूजियम सतना में बनाया जाएगा, ठीक है। और जो बाकी उद्योग हैं ये भी देख लेते हैं तो नीम से खरी बनाने का संयंत्र खरगोन में 2012 में लगा, वायुफील संयंत्र मैनरी मंडला में, पतंजलि उद्योग औषधि रीवा, हैंडलूम पार्क अशोकनगर 2017, गैस बॉटलिंग संयंत्र मनेरी मंडला, भारत का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर, कास्ट कला प्रशिक्षण केंद्र बीजापुर अनूपपुर। आगे बात करते हैं, कमर्शियल व्हीकल बगरौदा भोपाल 2018-19 में, सहकारी चीनी मिल कैलारस मुरैना में, हीरा परिष्करण का सबसे बड़ा केंद्र राज्य का भोपाल, डायमंड पार्क इंदौर, मोतियों का पारंपरिक गलसन माला के लिए प्रसिद्ध अधर काचगांव अलीराजपुर, अनुसंधान एवं औद्योगिक स्टॉफ केंद्र जर्मनी के सहयोग से भोपाल में, विश्व का तीसरा तथा एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में, फूल धातु मंडला में, राज्य में प्रथम निर्यात केंद्र पीथमपुर, व्यापार केंद्र की स्थापना भोपाल देश का चौथा है। आगे बात करते हैं, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी अयोध्या नगर भोपाल में, राज्य का प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला इंदौर में, मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतकों सूची की बात करें GI टैगों की याद रखिए, धातु शिल्प ये दतिया टीकमगढ़ दो जिलों को मिलाए, रतलामी सेव ये रतलाम को, चमड़े के खिलौने इंदौर को, महेश्वर साड़ी महेश्वर, चंदेरी साड़ी अशोकनगर और कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ को मिला है अभी लास्ट में, ठीक। आगे बात करते हैं, हम लोग राज्य में MSECDP योजना के अंतर्गत 2017-18 में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास उन्हें देखते हैं, अपैरल क्लस्टर बेजेपुर इंदौर में, रेडीमेड गारमेंट पार्क गदईपुरा ग्वालियर में, फूड क्लस्टर बड़ौदी शिवपुरी, नमकीन एवं एलाइड क्लस्टर करमदी रतलाम में, ठीक है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज कस्टमर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की औद्योगिक संस्थाओं के बारे में, मध्य प्रदेश की औद्योगिक संस्थाएं तो मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम, इसकी स्थापना हुई 1976-77 में, इसका मुख्यालय है इंदौर में। फिर मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 में इसकी स्थापना हुई, भोपाल में इसका मुख्यालय है। फिर मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसकी स्थापना 1965 में हुई, भोपाल में इसका मुख्यालय है।
मध्य प्रदेश का वित्त निगम 1955 में हुई इसकी स्थापना, इंदौर में इसका मुख्यालय। मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 में बना, भोपाल में इसका मुख्यालय। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग, इसका भोपाल में मुख्यालय। राज्य उद्योग निगम 1969 में बना, भोपाल में इसका मुख्यालय। वस्त्र उद्योग निगम, ये 1969 में बना, इंदौर में इसका मुख्यालय। हस्तशिल्प मंडल 1972 में भोपाल में इसका मुख्यालय। हैंडलूम संचालन 1976 में बना और भोपाल में इसका मुख्यालय। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम 1981 में बना, भोपाल में इसका कार्यालय मुख्यालय। ठीक है, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन 1962 में स्थापना हुई, भोपाल में इसका मुख्यालय। एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, भोपाल में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साइंस सेंटर खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में डायमंड म्यूजियम का निर्माण खजुराहो में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में डायमंड पार्क की स्थापना पन्ना में की जाएगी। वायु कचरे से खाद बनाने का संयंत्र ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, जबलपुर सरकारी कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए सर्कुलर जारी किया गया। मई 2018 को होशंगाबाद जिले में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की नींव रखी गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में बड़े लॉजिस्टिक सेंटर की स्थापना होशंगाबाद के नजदीक करेगी। मध्य प्रदेश के चार प्रमुख स्थानों में टेक्सटाइल या गारमेंट पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई, जिनमें धार मोहना औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र, छिंदवाड़ा लेहग डुआ औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम जावरा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, पीथमपुर धार में रालसन टायर द्वारा रेडियल टायर और जयदीप अलॉय द्वारा लोहे के सरिये बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। आगे बात करते हैं, जबलपुर में आर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा भारत में निर्मित होने वाली लंबी रेंज की पहली धनुष नामक तोप का निर्माण किया गया, जिसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर, वजन 13 टन है। इसे देसी बोफोर्स भी कहा जाता है। बरगी में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए 100 हेक्टर भूमि चिन्हित है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की बरगी तहसील में भी करने की तैयारी है। ठीक, प्रशासनिक अमले ने प्रोजेक्ट के लिए 100 हेक्टर भूमि चिन्हित की है। आने वाले समय में यह क्षेत्र सेंट्रल इंडिया में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करने वाला बड़ा सामरिक केंद्र बन जाएगा। जिले में डुमना एयरपोर्ट के विस्तार और रेडार एयरबेस का नाम भी चल रहा है, इससे सामरिक क्षमता बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी करंट अफेयर्स, एमपी करंट अफेयर्स 2019 के उद्योगों से संबंधित जो अपडेट हुए हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में बात करेंगे, परिवहन के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। 2018-19 में जो चेंजिंग आई है उन्हें देखेंगे अपडेट। ये सभी लेक्चर आपको फिर से बता देते हैं, प्ले सूची में मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 से एक सूची बनी हुई है, उसी में मिल जाएंगे। ठीक,